नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह से जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, उससे हरियाणा फल फूल रहा है और जनता खुश नजर आ रही है। सरकार न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है, बल्कि नई नई योजनाओं से जनहित में बड़े फैसले भी ले रही है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3400 करोड़ की कुल 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे प्रदेश में फिर से एक बार फिर नायाब सौगात के जमकर तारीफ हो रही है। हरियाणा में नायब सरकार की रोजाना विकास की रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है और इसी पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने ग्रामीण आवास योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। सबके लिए आवास के पंजीकरण के लिए इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। नायब सरकार लगातार ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां दे रही है। इसके अलावा नव नियुक्त ग्रुप बी के कर्मचारियों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी जारी रहा, जहाँ सीएम सैनी ने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा सरकार में ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दी जा रही है। सीएम सैनी ने बताया कि आज हरियाणा प्रदेश में 1,45,000 से ज्यादा हमारी सरकार ने नौकरियां देने का काम किया। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां दे रही है, मुझे खुशी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,45,000 से ज्यादा इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने का काम किया। वो युवाओं को हिसाब दें कि आपकी सरकार में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से नौकरियां लगी, उसका हिसाब देने का काम करें। आप महिलाओं को हिसाब देने का काम करें, इस प्रकार से महिलाओं का शोषण सरकार में होता था,
किस प्रकार से महिलाएं दो दो किलोमीटर से तीन तीन किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती थी, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता था उनकी FIR तक उनके समय में नहीं लिखी जाती थी, इसको भी बताने का काम करें। वो हरियाणा के किसानों को अपने 10 साल के कार्यों को बताने का काम करें, किस प्रकार से उनकी सरकार में 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक किसानों के साथ भद्दा मजाक होता था, उनको बताने का काम करें। वो हरियाणा प्रदेश के उन गरीबों को जिनके घरों को जला दिया, जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको पलायन करना पड़ा इनकी सरकार के अंदर, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। आज हमने गरीबों के लिए पोर्टल भी खोला है कि वो 100 गज का प्लाट उसके ऊपर अप्लाई कर सके। हमने आज गरीबों के लिए कल ये पोर्टल लॉन्च किया था कि वो उस पर रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। प्रतिशत अंक लाने वाले गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का चेक देने की भी घोषणा की है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि युवा पीढ़ी अपने प्रभाव से समाज में परिवर्तन लाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले ताकि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना साकार हो सके। युवाओं की लोकतंत्र में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी देश और प्रदेश उतना ही लाभान्वित होगा। युवाओं को लेकर अहम फैसला, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना के तहत इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा करने वाले 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके और कॉन्ट्रैक्टर बन सके। इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद उन्हें 1 साल के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसे युवा पंचायती राज संस्थाओं और निकायों में 25 लाख तक के ठेके ले सकेंगे। आगे मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषित नमो ड्रोन दीदी योजना राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत साल 2025 तक 500 महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्वयं सहायता समूहों को एक ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि कृषि क्षेत्र में किसानों को